ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से परेशान हैं। आपकी परेशानी की वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे आप खुद हो, आपके बच्चे हो, या आपके बच्चों की परेशानी हो, या आपके जीवन के हर एक पहलू पे कोई भी परेशानी हो जिससे आप अगर जूझ रहे हैं, या उस परेशानी से आप परेशानी में वर्तमान में गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो की बातें, इन वीडियो की चीज़ों को आप समझ ले, आपको बहुत बहुत सहायता होगी इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए और चीज़ों में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिख दें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस लागू है दोस्तों। सबसे पहली बात होती है कि जब भी हमारे हालात ख़राब होते हैं, जब भी कोई चीज़ हमें परेशान करती है, वो ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देती है। हम दिन रात हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, उससे उसमें हम इतना खोए हुए रहते हैं कि जो हमारा हाथ का काम होता है, जो काम हम करते हैं उसमें भी मन नहीं हमारा लगता, जो काम अच्छे से कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते, और परेशानी पहले ही है। और ये इस तरह से ये चीज़ें करने के बाद आप परेशानी को और बढ़ा लेते हैं। इससे कई बार व्यक्ति तनाव में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, और कई बार तो लोगों के मन में कई सारी नेगेटिविटी फैल जाती है। तो ये हमें नहीं करना है। सबसे पहला जो कदम है, हमें इसकी ओर ही बढ़ाना है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, हमारा जो काम है सकारात्मक में हमें उसे करना है। बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं, जो चिंता है, जो परेशानी है, जो अज्ञात डर है, वो हमारे भोलेनाथ के ऊपर, अपने भोले के ऊपर आप छोड़ दें। लेकिन कर्म अपना करते रहें, क्योंकि अगर कर्म करेंगे, आप खुद की मदद करेंगे, तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। दूसरी बात होती है कि खुद की मदद खुद करें। कई बार लोग दूसरों पर इतने आश्रित हो जाते हैं कि ये कर देगा, वो कर देगा। दरअसल वास्तविकता ये होती है कि जब हालात ख़राब होते हैं तब परछाई भी साथ छोड़ देती है। या आपके साथ, मेरे साथ, हर एक व्यक्ति के साथ यही सिचुएशन होती है। और जब परछाई साथ छोड़ देती है तब हमें स्वयं को ही चीज़ों में आगे कदम बढ़ाकर बाहर निकलने के प्रयास करना चाहिए। आप खुद करेंगे, मैं जानता हूँ हमें नहीं नॉलेज है, हमें नहीं चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन हमें ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी और इसमें अंदर घुसकर चीज़ों को समझना पड़ेगा। तीसरी है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धैर्य नहीं हारना है। बहुत से लोग व्यथित हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कायरों की पहचान है। जब तक आप इस हिम्मत को रखेंगे, जब तक आप अपने अंदर एक जीवितता को जिंदा रखेंगे, जब तक आप अपने अच्छाई को जिंदा रखेंगे, और अपने आप को दोषी मत समझिएगा, हर एक सिचुएशन के लिए आप खुद दोषी नहीं है, ये हालातों का दोष है, उन हालातों का दोष है, उस परिणामों का दोष है, हम उससे लड़कर बाहर आएंगे। जब तक आप ये इच्छा शक्ति रखेंगे तो बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और सबसे आखिरी बात, गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय।